हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी मिठाई बनाएंगे जो सबको खाना पसंद होती है और ये बहुत ही आसानी से झटपट बन भी जाती है। तो इससे पहले हम शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं ताज़े कच्चे नारियल, जिसे मैंने अच्छे से धुल लिया है, पानी से साफ कर लिया है। अब हम इसे छीलेंगे, तो पीछे का जो इसका डार्क स्किन होता है छिलका, उसे हम छील के हटा देंगे। मैं यहाँ कुछ इस तरीके से इसे छील ले रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा साफ हो गया है हमारा नारियल। अब इसी प्रकार से हमें सारे नारियल के टुकड़ों को अच्छे से छील के साफ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे नारियल का छिलके अच्छे से छील लिया है और इसे फिर से मैंने धुल लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करने के लिए ले चलते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट करके इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके इस तरह से बारीक ग्राइंड कर लिया है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स ग्राइंड करते टाइम। तो अब मैंने चूल्हे पर रखा है कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच घी और उसमें अब हमारा जाएगा ग्राइंड किया हुआ नारियल। तो यहाँ पे मैं नारियल डालने के बाद लगातार इसे धीमी आंच पे भून ले रही हूँ। हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है फ्रेंड्स, अच्छे से धीमी आंच पे। जब हल्का हल्का इसका कलर डाउन होने लगे और इसमें जो पानी रहे वो सूखने लगे, तो हम इसमें मिलाएंगे चीनी। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी से आधा से थोड़ा ज़्यादा चीनी लिया था, मैंने चीनी को मिला दिया है अच्छे से। इसमें अब चीनी धीरे धीरे मेल्ट होगा और हमारा जो नारियल है वो बाइंड होने लगेगा और पकने लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा नारियल अब लगभग अच्छे से भून चुका है और ये बाइंड भी होने लगा है। तो अब हमें इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करके नीचे उतार लेना है कढ़ाई को। अब हम इसको शेप देंगे। तो मैं शेप देने के लिए ली हूँ एक कंटेनर, ये प्लास्टिक का छोटा सा कंटेनर है या फिर कहें आप डिब्बा है। इसमें हमारी सोन पापड़ी की मिठाई जो मार्केट से आती है वो रखी जाती है, तो मैंने इसे फेंका नहीं है इसलिए मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी स्टील की थाली या फिर प्लेट में भी आराम से निकाल लें, उसमें भी हमारी बर्फ़ी का अच्छा शेप आएगा। तो मैंने इस डिब्बे में इसे निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से फैलाएँगे। तो यहाँ पर मैं दबाते हुए चारों तरफ अच्छे से इसमें शेप देने के लिए फैला रही हूँ। हाथों की हेल्प से भी हम इसे धीरे धीरे इसमें अच्छे से फिट कर लेंगे। तो अब हम इसे रखेंगे थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी ये हल्का हल्का गर्म है। अब मैंने यहाँ पे इसे 20 से 30 मिनट तक रेस्ट के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसको काट लूँगी कुछ इस तरीके से। आप अपना मनचाहा शेप दे के निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चौकोर शेप में इसे काट ले रही हूँ। ये देखिए हमारा अब ये बर्फ़ी का कटिंग हो गया है। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नारियल की बर्फी बन के तैयार। अब हम इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से इसके थोड़ा सा बादाम के कुछ टुकड़ों को ऊपर से डाल दिया है और यहाँ पे हमारी नारियल की बर्फ़ी एकदम परफेक्टली बनके रेडी है। अब हम इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से नारियल की बर्फ़ी आसानी से घर पे ही बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।